खुदा खान भी हमारे साथ हैं बरेली से, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हकीम साहब से बात करने का। बताएं आपको क्या दिक्कत है, क्या पूछना चाहते हैं हकीम साहब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पूछना था, बताना था कि मेरी एज 20 है और वेट 54 है और मेरी आंखों में दर्द रहता है। ज्यादातर एक बार में एक ही आंख में होता है, पर दोनों आंख में भी कभी हो जाता है और ये 7 से 8 दिन में होता है। तो अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो मुझे दिखता तो साफ है, पर उन्होंने कहा माइग्रेन है। अच्छा, जब कोई आप गोली लेते हैं तो कौन सी गोली लेते हैं जिससे ठीक हो जाता है? ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं दावा करता हूँ लेने वाले लोगों को जिससे वो ठीक हो जाता है कोई भी दर्द, तो उनको माइग्रेन नहीं हो सकता। ये जितनी गोलियाँ हैं ये मामूली दर्द की गोलियाँ, जिससे जिसका भी सिर दर्द कोई कहता हो कि माइग्रेन है और वो मामूली गोली से ठीक हो जाए, उसको माइग्रेन नहीं कह सकते। आप यकीन रखें कि आपको माइग्रेन नहीं है। और आप अगर कुछ ऐसा काम करती हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में बिजी रहते हैं, तो बेतरतीब लेटती बैठती है, तो वो भी छोड़ देंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, नज़ला रहता है तो आपको नज़ले का इलाज करना पड़ेगा, तब ठीक होंगी आप। जैसे नज़ला होता है, हम कोई भी एक एंटी एलर्जी गोली खाते हैं एलोपैथिक और वो वहीं सूख जाता है, उससे होता है। और यह सर्वाइकल हो सकता है। आप ये गौर करें कि क्या वजह हो सकती है। और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ऐसे ये कान रोज़ाना ऐसे आप करते रहे, जितना भी आप में हिम्मत हो रोज़ाना किया करिए, 2-4 मिनट रोज़ाना हो जाना चाहिए। सिर्फ ये भी आप करेंगे तो आपका ये दर्द आपसे रुखसत होना मुमकिन है। नसरीन का, जो कि बिहार से हैं। जी नसरीन, कैसे हैं आप बताएं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम नसरीन। जी पहले भी हम एक बार आपसे रابطہ किया था तो आप बताए थे हमको, हमको 3 मर्ज है, थायराइड भी है और सफेद दाग भी है और सोराइसिस भी है। तो आप हमको सोराइसिस का दवा तो खा रहे हैं हकीम साहब, तो बहुत ज़्यादा पूरे बदन में यानी कि फैल गया। जब दवा खाते हैं तो ठीक रहता, नहीं खाते हैं तो फिर मतलब हो जाता बहुत जल्दी, और सर में भी है, लेकिन ये सफ़ेद दाग भी है। और अल्ट्रॉक्सिन हम सुबह मॉर्निंग में ले रहे हैं, आप कहा था हमको बापची के लिए, तो 2 दाना बापची सुबह में, तो क्या थायराइड की गोली के साथ हम ले लें उसको मुँह में चबा लें? और शाम में बोला था सुबह शाम। और ये ज़्यादा हम सोराइसिस से भी परेशान हैं और ये सफ़ेद दाग भी डर लगता है कहीं कोई दवा खाए और बढ़ जाए। और आयुर्वेद दवा हमको पचता भी नहीं है। हम यूनानी में हम दवा गए थे पटना में, एक जगह पश्चिम दरवाज़ा, वहाँ हम गए थे, दवा हम लिया वहाँ से और करीब करीब 1 महीना खाए, लेकिन हमको पचता ही नहीं है, उल्टी हो जाता है। और हम इसीलिए अंग्रेजी दवा खाते हैं तो ठीक रहता है, नहीं खाते हैं तो फिर बढ़ जाता है। लेकिन ये बॉपची जो आप बोला था मॉर्निंग में लेने के लिए, तो क्या अल्ट्रॉक्सिन जो दवा हम खा रहे हैं थायरॉक्सिन, तो उसके साथ हम ले लें 2 दाना बॉपची, हमको फ़ायदा होगा? ठीक है, बढ़ जाता है। हाँ बच्चा, घबराए नहीं एक तो, और जो भी मैं आपको दवा बताता हूँ वो उसमें ज़्यादातर तो आपका किचन से होता है, तो जो किचन की दवाएं चीज़ें हैं वही तो आयुर्वेदिक या यूनानी है। लेकिन अगर कोई उसमें कुछ मिला दे, गलत मिला दे, तो उसकी तो कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आप साबुत लीजिए जो भी चीज़ें और उसको बनाइए खुद, और आपको ये भी रहेगा कि आपने असली दवा बनाई। और मैं एक नुस्खा आपको बताता हूँ, और जैसे आपने सवाल किया कि बापची आप ले सकते हैं, हाँ उसके साथ भी ले सकते हैं, जो आपको थायराइड है उस गोली के साथ ले सकते हैं। देखिए, एक नुस्खा लिख लीजिए, धनिया आपके जो किचन में, धनिया और आंवला, सूखा हुआ आंवला, मेथी, धनिया आंवला मेथी, और ये 100-100 ग्राम ले लीजिए, और 100 ग्राम गोंद आता है, एक थोड़ा महंगा आता है और नकली भी बहुत मिलता है, मोरिंगा का गोंद, इन सबको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और
3-4 ग्राम रोज खाया करें सुबह को, उस दवा के साथ जो आपकी थायराइड की है, उससे आगे पीछे भी कर सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं। और ये अमल आपको दिन में 2 मरतबा करना है, तो आपके जो इमराज आपने बताए, जो बीमारी है, उन सब पे यकसा काम करेगा, जैसे थायराइड और सफ़ेद दाग और सोराइसिस, इन सब मर्ज़ों पे एक साथ काम करेगा और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। मुझे आपकी आवाज़ से घबराहट ज़्यादा और बीमारी कम लग रही है, तो घबराए नहीं, और ये चीज़ें सब आपके किचन की हैं तो आपको नुकसान नहीं दे सकती। तो नसरीन, जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि घबराए नहीं, सब्र रखें, और जो किचन में आपके मौजूद है, जो नुस्खा यहाँ हकीम साहब ने बताया है, वो आप अमल में लाएं। खुर्शीद आलम है मेरठ से। जी खुर्शीद जी, बताएं कैसे हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं? वाले सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया जी। बताएं खुर्शीद जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता जी। कितनी उम्र है आपकी? जी 52 साल है। अच्छा, कुछ मेहनत का काम करते हैं खुर्शीद भाई? हाँ जी, किसान आदमी हूँ। ठीक ठीक है। अच्छा देखिए, एक खास नुस्खा आपको बताता हूँ, और वो ज़रा आपको मुश्किल लगेगी मिलने में, महंगा भी होता है, नकली भी मिलता है, बहुत बड़ी जगह से लें। गौंद सियाह, यानी काला गौंद, ये एक दवा है जो इंतहाई कड़वी है, और हो सकता है आप किसान हो तो आप शायद समझते भी हो, इससे कड़वी कोई दवा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। गौंद सियाह लीजिए, और ऐसा 100-150 ग्राम ले लीजिए, और ये आपका पूरा इलाज है। 100-150 ग्राम में आपकी पूरी बीमारी आपसे रुखसत हो जाएगी। इसका पाउडर बनाइए, और इसकी खुराक भी बहुत ज़रा सी लेनी पड़ती है, आधा ग्राम। आधा ग्राम आप समझते हैं कि आधा कैप्सूल के बराबर, एक बार सुबह और एक बार शाम। और जब तक ये आपका 100-150 ग्राम गौंद सियाह ख़त्म होगा, जब तक आपके जोड़ जोड़ और पट्ठा पट्ठा, पुर्जा पुर्जा और तमाम नसें, और जहाँ भी जोड़ों में दर्द मुमकिन है, उसका ठीक होना मुमकिन है। अब बिस्मिल्ला बेगम कर्नाटक से हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिस्मिल्ला जी, बताएं कैसी हैं आप, आपको क्या परेशानी, क्या सवाल है आपका हकीम साहब से? हाँ मैडम, मैं बहुत परेशान है, हमारी अम्मी की दम बहुत आ रहा है और डॉक्टर का नहीं कम हो रहा। सांस फूल रहा है आपकी अम्मी का? हाँ सांस भी है और दम बहुत आ रहा। अच्छा, चलने में दम आता है या बैठे बैठे आता है? चले तो भी दम आता, बहुत दम आता, परेशान बहुत है। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ बताया है उनकी उम्र कितनी है, ये भी बताइए। उम्र 80 साल है उनकी उम्र। 80 साल, ठीक है। अच्छा देखिए, वैसे तो जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उनकी उम्र काफ़ी अच्छी है, तो उनसे आप इलाज तो लेते ही रहिए, और वक्ती तौर पर जो भी दवा की ज़रूरत पड़े उन्हें दीजिए। और वैसे ऐसे शख्स का जिसको दम आता है यानी सांस फूलता है, ये तो फेफड़े में प्रॉब्लम या दिल में प्रॉब्लम, इन दो वजूहात से सांस फूलता है। अगर बैठे बैठे भी सांस फूलता है तो दिल में प्रॉब्लम, और अगर चलने से सांस फूलता है तो फेफड़े में प्रॉब्लम। ये आप देख लिए, और जो भी मर्ज़ हो उसके हिसाब से अपने वहीं के डॉक्टर से इलाज कराएं। और यूनानी दवा के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि सौंठ 50 ग्राम और 100 ग्राम अलसी, दोनों को पाउडर बना के इससे 2 गुने शहद में डाल दें, और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह गर्म पानी के साथ रोज़ाना दिया करें। और जो दवाएं उनकी, जो अद्वियात उनकी चल रही है, उसको चलने दें, उन्हें देते रहें, और ये एडिशनल मेडिसिन उनको देना शुरू करें, और हफ्ता दो हफ्ता इस्तेमाल करके फिर आप हमें दोबारा तलब कर सकते हैं। गाज़ियाबाद से कुलसुम है जी, बताएं कुलसुम, आपका क्या सवाल, हकीम साहब से क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
हमारी अम्मी को बहुत ज्यादा तकलीफ है पैरों में, 8-9 साल से उनकी हड्डियों में, मतलब पैर बहुत सूजा रहता है, कमर से लेके वेट उनका बढ़ता जा रहा है और नस ऐसे चढ़ जाती है, एकदम छूने नहीं देती है बिल्कुल भी, न मालिश में भी कोई उनको आराम नहीं है, 8-9 साल से उनको काफी तकलीफ है। कुलसुम उम्र बता दें। थायराइड उनकी होगी 45, 40 है उनकी। जी थायराइड क्या कह रही हैं आप, उनको थायराइड भी है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना थायराइड है ना उनको कोई, मतलब कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, ना शुगर है, ब्लड प्रेशर भी उनका ठीक है, पर ये उनके सूजन, उनका वेट बहुत बढ़ रहा है, 80-90 भी हो गया था उनका वेट। ठीक है, थायराइड का टेस्ट नहीं कराया हो तो करा लें। और क्यों, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूं जो मैंने अभी किसी को बताई थी और आप अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वालदा ठीक हो जाएंगी। देखिए आपने तमाम इलाज कर लिए हैं तो मुझे ऐसे लोग जिन्होंने तमाम इलाज कर लिए हैं यूनानी उसके लिए है, लेकिन सब्र 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना, 1 महीना ज़रूर लें यूनानी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनानी से 20-30% फ़ायदा होता है 1 महीने में। अगर इतना फ़ायदा हो तो फिर पूरा इलाज करें। और देखिए यूनानी में घरेलू नुस्खे जात से भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर पहले आप दवाएं ले लें और फिर घरेलू नुस्खा लें तो बहुत फ़ायदा होता है। और बहरहाल मुझसे अक्सर लोग घरेलू नुस्खे की उम्मीद रखते हैं और सौंठ, सौंफ, धनिया, सौंठ, सौंफ, धनिया और गौंसिया, 4 चीज़ें लीजिए, पाउडर बनाइए और 1-1 ग्राम तीनों वक्त खाने के बाद उन्हें दीजिए और पानी से दीजिए, दूध से मत देना इनको क्योंकि इनका वज़न पहले से बढ़ रहा है, या जूस से दे सकते हैं तो ये देना शुरू करें, मुझे उम्मीद है कि इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। नागपुर से तैयबा भी आपसे बात करना चाहती हैं। जी तैयबा बताएं आपका क्या सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम फरमाइए। हाँ मैं ये बोल रही थी, मैं तो वैसे आपके सारे नुस्खे लिख कर रखती हूँ और लोगों को बताती भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा भी हो रहा है मुझे, काफी नुस्खे मैं लिख कर बताई भी और घर में भी बनाती हूँ, फायदा भी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अस्थमा की भी शिकायत है तो वो अस्थमा के लिए थोड़ा आप बताएं। मैंने मोरिंगा गोंद आपके यहाँ से मंगवाया है, फिर उसे बनाऊं किस तरह से वो थोड़ा सा आप मुझे दोबारा बता दें। और ये मुझे बीपी की भी शिकायत है तो, लेकिन मैं बीपी के लिए तो मैं लहसुन खाती हूँ, टैबलेट बोला डॉक्टर ने 20 mg की, लेकिन मैंने नहीं खाया है और उससे मैं लहसुन से ही कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि लहसुन से ही कम हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कम भी हुआ है हमारा लहसुन से, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और बहुत अच्छा लगा, आप हमेशा इसी तरह बताते रहे। और मुझे थोड़ा सा एक बार अस्थमा को बताइए क्योंकि इनहेलर ले रही हूँ मैं अभी, ये मौसम की वजह से फिर थोड़ी मुझे परेशानी हो रही है। ठीक है जज़ाकअल्लाह। देखिए ये वो हमारे व्यूअर्स हैं जो खुद भी मुस्तफीद होते हैं और दूसरों को भी फायदा पहुँचाते हैं, ऐसे लाखों लोग आप जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं इस कदर काम कर पाता हूँ। और देखिए अस्थमे के लिए मोरिंगा का गौंद आपके पास पहुँच गया, इसका पाउडर बना लीजिए, अलसी इसके हम वज़न उसको पाउडर बनाइए और लिसोड़ा कहते हैं गांव की ज़बान में लिसोड़ा, ये फल आते हैं सूखे हुए, लिसोड़ा और उन्नाब, दोबारा से कहता हूँ ये आपने मोरिंगा का गौंद लिया, लिसोड़ा लीजिए और उन्नाब लीजिए और अलसी लीजिए, इन सबको हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं, चाहें तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से आप लें इन्हें, और चाहें तो इससे 2 गुने शहद में मिलाकर आप इसको एक माजून बना लें अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, और उसी तरह 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें, बहुत जल्दी आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। और लहसुन मत छोड़िए आप, लहसुन से आपको ठीक हो जाएंगे,
ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट ब्लॉकेज तक ठीक हो जाते हैं। और लहसुन का ये भी तरीका है लेने का कि 4-5 सुबह 4-5 शाम मैं भी खाता हूँ। यानी अगर आप पूछेंगे कि आज खाया आपने, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने खाया और फिर जाकर खाऊंगा। इससे जिस्म में बड़ी गर्माई रहती है और ये दमे वगैरह की भी शिकायत नहीं होती कसरत से लेने पर, और ये कभी नुकसान नहीं देता। और अगर कफ आ जाए तो फौरन बाहर आ जाता है। तो लहसुन मत छोड़िए, और मुझे उम्मीद है कि ये नुस्खा भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा।